बिहार में जल्द होगा पंचायत उपचुनाव। 1400 खाली पदों पर चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। बगहा से जिला ब्यूरो क्षितिज राज की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बगहा न्यूज 24। बिहार में जल्द ही एक बार फिर से पंचायतों में खाली पड़े पदों को लेकर चुनाव का ऐलान किया जाएगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुट गया है। चुनाव आयोग पहले वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव तारीख का ऐलान कर सकता है। राज्य के अंदर फिलहाल सबसे अधिक पंच के पद रिक्त है। इसमें अधिकांश पद पंचायत प्रतिनिधियों की असामयिक निधन के कारण खाली हुए हैं। दरअसल बिहार में 2021 में पंचायत चुनाव हुआ था, लेकिन कई जगहों पंच के कई पद खाली रह गए थे, जिसके बाद पंच समेत अन्य रिक्त पदों के लिए 2022 में उपचुनाव कराया गया था। इसके बाद भी पंच के कई जगहों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले, इसीलिए पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने की अनुशंसा की है, जिसके बाद अब पंच के साथ ही अन्य रिक्त पदों के लिए भी उपचुनाव कराए जाएंगे। मालूम हो कि पटना जिले में 103 पदों पर उपचुनाव होना है, जिसमें सबसे अधिक पंच के 75 पद है, जबकि वार्ड सदस्य के 21 और पंचायत समिति सदस्य की 3 सीटें खाली है। इसके अलावा सरपंच के लिए भी 3 पद रिक्त है। अब इन पदों पर चुनाव को लेकर फिलहाल मतदाता लिस्ट का पुनर्निरीक्षण चल रहा है। जिन इलाकों में पंचायत उपचुनाव होना है, वहां मतदाता सूची को अध्ययन किया जा रहा है। यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है तो सूची से उनका नाम हटाया जा रहा है और नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। इधर अधिकारियों का कहना है कि जिन इलाकों में पंचायत उपचुनाव होना है, वहां मतदाता सूची को अध्ययन किया जा रहा है। यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है तो सूची से उनका नाम हटाया जा रहा है, जबकि 18 वर्ष के नवयुवकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम किया जा रहा है। नाम जोड़ने का काम नए नियमों के तहत करवाया जा रहा है।